तो जय बजरंग बली, इधर का थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल गया होगा कि किधर जा रहे हैं अपन लोग। अभी हैं हम लोग चार जन, तो चलते हैं, सीधा मिलते हैं तुम लोगों को उधर। इधर थोड़ी सी पेट्रोल सुंघाते अपनी बाइक को और चलते इधर से, क्योंकि ये तेल पीती नहीं, बस सूंघती है। Inside, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why. Why you let me die alone inside? बस इंतजार की घड़ी समाप्त। अभी सीधा ही जाते हैं। टाइमिंग पे आ गए, सन सीधा सर पे। तो ये हम लोग इधर है, ये सुबह का टाइम हो रहा है इसलिए सन सीधा सर पे, वो डर ही रहे उतना अच्छे से दिखना चाहिए, फिर भी जितना हो सके उतना अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो। इधर आए तो सिनेमैटिक व्यू तो बनता है, तो एक बार देखो। I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. देख चुके हो तुम लोग, अभी इस साइड में भी अपने भोलेनाथ का और भी देवी देवताओं का मंदिर है, उसको दिखाते। तो इसका डिजाइन है बनाने का, वो काफी बढ़िया है। देखिए इस टाइम से ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में। देखिए ये मंदिर ना साउथ स्टाइल से बना गया है, ये मंदिर का आर्किटेक्चर आप देख सकते हो पूरा साउथ स्टाइल से है, और जैसे कि ये मंदिर भोलेनाथ जी का है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, पूरा टाइल्स वाइल से ज्वाइनिंग किया गया है इस मंदिर को। और आगे आइए, हम लोग मंदिर का इंटीरियर पार्ट दिखाते हैं। ये फ्रंट पे संतोषी माता का है और मेन डोर से आपको दिखाते हैं, मेन डोर पे माता रानी का है। जैसे कि यहाँ पे कैमरा नहीं अलाउड है, लेकिन हमने बाबा जी से बात करके ये पूरा फोटो दिखाने का कोशिश किया कि आप लोग देख सकते हो। देखिए ये दरवाजा लॉक है, लेकिन हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं। बस खोल के बस हर माँ के साथ अपने इस ब्लॉग का द एंड। मिलते हैं अनदर एंड ब्रांड न्यू वीडियो में।